हेलो दोस्तों, आज हम आपको सलवार काटना सिखाएंगे। बेल्टदार सलवार कैसे काटा जाता है। बेल्टदार सलवार काटने के लिए पहले हमको कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा कपड़े को अंदर रखना है और उल्टा कपड़े को बाहर रखना है। इस तरह हम इसको चार पल्ले में बिछा लेंगे। चार पल्ले में बिछाने के लिए हमको दो पल्ले इधर का और दो पल्ले इधर का दोनों को बराबर कर लेना है और चारों पल्ले को एक बराबर 1 2 3 4 चारों पल्लों को एक बराबर रख लेना है। उसके बाद हमको इसको सीधा कर लेना है। कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पूरा बराबर होना चाहिए एक तरफ। उसके बाद हम इधर इसकी जो मार्जिन है इसको हम सीधा कर लेंगे। इसकी मार्जिन हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए हम इसको निशान लगा लेंगे, उसके बाद इस पर हम कट कर देंगे। हमारा बेल्ट मान लो हम 6 इंच तैयार करते हैं, लिए हम आधा इंच मार्जिन का निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ 6.5 इंच का निशान लगा लेंगे। हमारी लंबाई 39 39 इंच, तो हम 40 पर मार लेंगे। 39 इंच पर मार्क करने के बाद हमारा बॉटम है 13 13 इंच, तो हम यहाँ पे 13 इंच का निशान लगा लें। उसके बाद हम अपने मार्जिन रख देंगे 1.5 इंच। 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आसन के लिए हम यहाँ 6.5 इंच का बेल्ट निकाल के आसन की लंबाई हमारी 15 होनी चाहिए, 15 तैयार होनी चाहिए, इसलिए हम 15.5 पे निशान लगा देंगे, आधा इंच मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। अब इसको हम यहाँ से यहाँ मार्क कर लेंगे। अब हम जिस निशान पे लगाए हैं उसी निशान पे इसको कट कर लेंगे। यहाँ 1/2 इंच हम मार्जिन का अलग से ले लेंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड करके इसको हम रख देंगे। अब इसमें हमारा बेल्ट निकालना है। बेल्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ऊपर नेफा के लिए निशान लगा लेंगे 2 इंच पे। 2 इंच इसको नाप के हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब बेल्ट काटने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हमारा हिप का जानना ज़रूरी होता है, हिप कितना है। हिप हमारे सलवार की 38 इंच है। अब हम 38 इंची में 6 इंच जोड़ लेते हैं तो हमारा हिप हो जाता है 38 में प्लस 6 हो जाएगा 44। 44 का मतलब हो जाएगा इसका चौथाई आएगा 11, तो 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमारा बेल्ट है 6.5 इंच, 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, 1/2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद ये हमारा बेल्ट कट गया। अब इसके बाद बेल्ट के बाद हम मियानी काटेंगे। नेफा काटने का सबसे आसान तरीका मियानी काटने का, बस इसको ऐसे कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा मियानी कट गया। अब हमारी सलवार कट गई। बेल्टदार हमारी सलवार मात्र 5 मिनट के अंदर कट गया। अब आपको स्टिचिंग के लिए लेके चलते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम
बेल्ट को बना लेंगे। बेल्ट बनाने के लिए हम पल्ले को सीधा कर लेंगे। एक तरफ हम इसको जोड़ लेंगे। उसके बाद ऐसे जोड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई मार देंगे जिससे हमारा बेल्ट मजबूत हो जाए। अब दूसरी तरफ भी नेफा बना लेंगे। नेफा बनाने के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच इसको छोड़ देंगे सिलाई, इसमें हमारा डोरी जा पाए। इसके बाद इसको ऐसे चीर लेंगे। उसके बाद इधर सिलाई मार, अब ये हम नेफा को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच की मार्जिन जो रखे रहते हैं नेफा के लिए उसको कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मोड़ के इसको सिल देंगे। चारों तरफ सिल लेंगे। अभी हमारा बेल्ट बनके तैयार हो गया है। बेल्ट हमारा तैयार हो गया, अब इसको हम रख देंगे। अब उसके बाद हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हमको इसको चारों पल्लों को अलग अलग कर लेना है। 2 पल्ला इधर 2 पल्ला इधर। अब ये 2 पल्ला नाली वाला इसको ऐसे खोलेंगे। उसके बाद हम मियानी को रख लेंगे। मियानी को ऐसे रख के इसको हम सिलेंगे। मियानी पे हम डबल सिलाई चला लेंगे। तो रखने के बाद मियानी को हम ऐसे कर लेंगे। तो हम सिलाई चला लेंगे। एक तरफ की हमारी मियानी इसमें जुड़ गई। अब दूसरे तरफ भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। Thank you.
अच्छी तरह से जोड़ देंगे। अभी हमारा दोनों पन्ना आपस में पूरी तरह से जुड़ गया, दोनों पल्ला हमारा जुड़ गया। उसके बाद यहाँ से मियानी, ये मियानी की निशान के सीधे भी इसके जोड़ में सीधे से यहाँ पे फुटका लगा लेंगे, फुटका इधर इस साइड, दोनों साइड फुटका लगाने के बाद हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के लिए हम या फुटके से ही उठाएंगे इसको, पौना इंच अंदर ले जाएंगे, पौना इंच छोड़ के इसे प्लेट डालेंगे। ये हम जोड़ की तरफ प्लेट डालते हुए चले जाएंगे। इसको हम गिन लेंगे कितना प्लेट हमारा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 प्लेट हमको इस साइड भी डालना है, उधर करके उसका मुंह उस साइड होना चाहिए। 9। अब ये हमारा गैलरी, ये सामने का बेल्ट एडजस्ट, बेल्ट से हम इसको नाप लेते हैं। जितना हमारा बढ़ रहा है उतना हम बैक साइड प्लेट डाल देते हैं। चार प्लेट उधर से, चार प्लेट इधर से, डालने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा बेल्ट बराबर आ गया कि नहीं। अब देखेंगे हमारा बेल्ट इसके बराबर आ गया है। अब इसको हमको बेल्ट को ऐसे रखना है और उसके ऊपर जो सामने का पोर्शन है, सामने का जो हमने बेल्ट दिया है जहाँ पे जोड़ है उसको, जोड़ को इस पर रख देना है। उसके बाद इसको सिलाई चला देना है चारों तरफ, अब हमको जोड़ देना है। ये हमारा सलवार बेल्ट में जुड़ जाएगा। तो ध्यान देना है कि उसका ये वाले हिस्से के जोड़ते आ जाना है। इसको बराबर से इसको जोड़ लेंगे। हमारा चारों तरफ से अच्छी तरह से जुड़ गया था। अब हम इसको सीधा करके देखेंगे।
बेड अच्छी तरह से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसको हम इस बेल्ट के ऊपर एक सिलाई दाब सिलाई चला देंगे जिससे हमारा बेल्ट जो है जोड़ जो है इधर उधर न जाए। चला भी सकते हैं नहीं चला सकते हैं चला देते हैं जिससे चला लिए। अब इसके बाद आता है हमारा बॉटम बनाने। बॉटम बनाने के लिए हमको सबसे पहले इसके बराबर का बकरम नाप लेना है, इतना बड़ा हमको बकरम चाहिए रहता है। अब ये आपके ऊपर है कि कितना चौड़ा बॉटम बनाएंगे, आप पतला बनाएंगे चौड़ा बनाएंगे। अगर चौड़ा बनाना तो और चौड़ा ले सकते हैं, पतला करना है तो और पतला ले सकते हैं। हम आपको अब इसको हम कपड़े में पैक कर लेंगे, जिसके बराबर हम कपड़ा काट लेंगे। ऐसे रख के दोनों साइड थोड़ा थोड़ा मार्जिन देके कपड़े को काट लेंगे। बॉटम बनाने का सबसे आसान तरीका, आपको एक दाब छोड़ के इस पर सिलाई मार लेना। इसके बाद इसको एक तरफ से कट कर लेंगे। सलवार के बॉटम में जोड़ लेंगे, इसको ऐसे रख के इसको आधे इंच जो मार्जिन लिए उस पर हम इसको सिल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम बॉटम को बनाना सीख लेंगे। इसको ऐसे स्पिन कर लेंगे। बॉटम बनाने का एक तरीका और है, उसको हम आपको बाद में दूसरे किसी वीडियो में आपको बताएंगे। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे।
बॉटम आप अपने हिसाब से इसकी सिलाई बना सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो आप डिज़ाइन बनाइए, अगर सादा सीधी सीधी सिलाई लगाना है तो सीधी सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। जैसा आपको बॉटम बनाना है उस हिसाब से आप बॉटम बना सकते हैं। एक सिलाई उधर लगा दीजिए, एक सिलाई उधर, उसके बाद आप सिलाई को ऐसे लगा देंगे। अब आप अगर बीच में डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो डिज़ाइन डाल लीजिए, या सिलाई सिर्फ चलाना चाहते हैं सिलाई चला सकते हैं, वो आप देखते हैं डिज़ाइन बना लीजिए। पोचा तैयार हो गया, अब इसको हम रख लेंगे। अब इसके बाद इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमारी मोड़ी है 13 इंच, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है सलवार बनाने का, डेढ़ लाख सलवार बनाने का सबसे आसान तरीका। सलवार बनके तैयार हो गया, अब हम इसको डबल सिलाई कर लेंगे जिससे कि मजबूती बढ़ जाए। सीधा करके देखिए, दोस्तों अब हमारा डेढ़दार सलवार बनके तैयार हो गया है। अच्छा खासा लेट भी आया है, आगे भी पीछे भी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के बेल आइकन जरूर दबा दें।
दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।